एक बार फिर दुनिया भर के अखबारों में भारत चर्चे में है, लेकिन चर्चा कोई अच्छी वजह से नहीं है। चर्चा जो हो रही है वो कोई अच्छी वजह से नहीं हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा, हालांकि मेनस्ट्रीम मीडिया ने ये खबर बहुत हद तक दबा दिया, ये खबरें बाहर सही तरीके से नहीं आई, आम लोगों तक ये खबर नहीं पहुँची, शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। खबर ये थी कि कर्नाटक के एक हासन लोकसभा क्षेत्र का एक कैंडिडेट, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता प्रज्वल रिवन्ना जो है, वो उसका लगभग 2900 के आसपास वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में सेक्स स्कैंडल है, कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल के तौर पर उसे देखा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा तो होगा ही, ऐसा लगता है उस वीडियो को देखने के बाद, उस खबर को देखने के बाद, कि किस तरह से वीडियोज़ पड़े हुए हैं जिसमें उसने महिलाओं के साथ बलात्कार किए। और उस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि जो प्रज्वल रिवन्ना, जिसका वीडियो वायरल हुआ, वो पूर्व प्रधानमंत्री का पोता तो है ही, साथ ही अभी के जो प्रधानमंत्री है उसका एक अलाइड मेंबर है, यानी कि उसके साथ गठबंधन है, साथ में मिल करके चुनाव लड़ रही है भाजपा, उसके लिए प्रचार प्रसार किया रिवन्ना के लिए, प्रज्वल रिवन्ना के लिए खुद प्रधानमंत्री जी गए थे 14 तारीख को, मंच पर से शाबाशी दिया उनको, कहा कि इन्हें वोट दीजिए, प्रज्वल रिवन्ना को दीजिए, ताकि हम जो है सशक्त हो सके, मजबूत हो सके, 400 पार हो सके। और ऐसे बलात्कारियों के लिए जब प्रधानमंत्री जी जा करके चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, तब विदेशी मीडिया भी इस पर नज़र रखती है। और अब विदेश में भी चर्चाएं हैं, नरेंद्र मोदी न्यू अलाय वॉज अ मास रेपिस्ट, यानी कि प्रधानमंत्री जानते थे, नरेंद्र मोदी जानते थे कि उनका जो अलाइड मेंबर है, जो उसके साथ गठबंधन में है, वो एक मास रेपिस्ट है, एक बहुत बड़ा बलात्कारी है जिसने सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। द सियोन ऑफ अ पॉलिटिकल डायनेस्टी अलाइड विद इंडियाज पीएम हैज फ्लेड द कंट्री अमिड एलिगेशंस ही सेक्सुअली असॉल्टेड अप टू 400 वीमेन व्हाइल फिल्मिंग हिमसेल्फ इन द एक्ट। 400 से ज़्यादा महिलाओं के साथ उसने इस तरह का काम किया, 2900 से ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ, और उस वीडियो को किसी और ने नहीं बल्कि प्रज्वल रिवन्ना खुद से बनाते थे। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यही वो इंसान है प्रज्वल रिवन्ना, ये देश के प्रधानमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री जी जो जिनके साथ खड़े हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा साहब, इनका ये पोता है, और ये इस तरह का व्यक्ति है। और ये अब खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, इंडिया पीएम हैज़ लिंक्स टू मास रेपिस्ट, ये भी खबर सामने आई। हेराल्ड सन, अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल डायनेस्टी हुज पार्टी इज अलाइड विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर हैज लेफ्ट द कंट्री अमिड एलिगेशंस दैट ही सेक्सुअली असॉल्टेड और रेप्ड एज मैनी एज 400 वीमेन वाइल फिल्मिंग हिमसेल्फ इन द एक्ट। प्रज्वल रिवन्ना 33 इज ऑल्सो एलिग्ड टू हैव ब्लैकमेल्ड हिज विक्टिम्स विद सम 2800 वीडियोज रिकॉर्डिंग द असॉल्ट। तो ये खबरें जो है, हेराल्ड सन एक अखबार है, ये इंडिया की अखबार नहीं है, बाहर विदेश का अखबार है, उसमें चर्चाएं जो है वो हो रही है, और ये अब सामने आ रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इसे कवर इसे लगाया भी है और भेजा भी है, और इस तरह से मतलब सोशल मीडिया पर उसने शेयर किया है, सुप्रिया श्रीनाथ ने ऐसे शेयर करते हुए ये बात कही है कि द ऑस्ट्रेलियन जो अखबार है उसमें अखबारों की सुर्खियों में विदेशों में जो डंका बज रहा है उसका एक हिस्सा ये बना हुआ है। तो इस तरह से भारत बदनाम हो रहा है, और ये बदनामी किसके वजह से हो रही है वो आप तमाम लोग जानते हैं। इस पर आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।